नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया है। शिव मंदिरों में भोले बाबा के नाम का जय घोष गूंजने लगा है। हर हर महादेव, बम बम भोले की गूंज से मंदिर और शिवालयों का वातावरण शिवमय हो गया है। भक्त सुबह से ही भोले की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। इस साल सावन 58 दिन का होगा, यानी कि शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीने का होगा। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। जी हाँ, भगवान भोले का पावन महीना शुरू हो चुका है। जाने कितने आएंगे सोमवार। इस साल सावन 2 महीने का है। ये संयोग 19 साल के बाद बना है। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 जुलाई से 16 अगस्त तक ज्यादा मास रहेगा। इसी कारण से इस साल सावन का महीना 2 महीने का होगा, इसलिए इसमें कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। कब कब रखे जाएंगे सावन सोमवार व्रत। सावन के 8 सोमवार, 10 जुलाई प्रथम सोमवार, 17 जुलाई हरियाली अमावस्या और दूसरा सोमवार, 24 जुलाई तीसरा सोमवार, 31 जुलाई चतुर्थ सोमवार प्रदोष व्रत, 7 अगस्त पांचवा सोमवार, 14 अगस्त छठा सोमवार और सोम प्रदोष व्रत, 21 अगस्त सातवां सोमवार नाग पंचमी, 28 अगस्त आठवां और अंतिम सोमवार। सावन का महीना और इसमें पड़ने वाले सोमवार व्रत का शादीशुदा महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही खास होता है। सावन सोमवार के दिन विवाहित महिला दिन भर व्रत रखकर शिवजी और मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हुए पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी महिलाएं मनचाहा वर के लिए पूजा करती हैं। सावन पूजा सामग्री। सावन में शिव पूजा के लिए गंगा जल, जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, पंचामृत, जनेऊ, वस्त्र, चंदन, रोली, अक्षत, बेलपत्र, फल, विजया, आक, धतूरा, कमल, गहा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, गुलाब, अबीर, इत्र, कपूर आदि का प्रयोग करें। ऐसे करें शिव पूजा। सावन में हर सोमवार को उपवास रखना उत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करें। सावन के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। शिव मंदिर या घर में शिवलिंग का गंगा जल, गाय के कच्चे दूध या फिर गन्ने के रस से अभिषेक करें। चंदन, अक्षत फूल, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग भी भोलेनाथ को अर्पित करें। सावन में इन सब से बनाए दूरी। सावन में तामसिक भोजन, मदिरा, लहसुन प्याज, हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करें। सावन में शरीर पर तेल लगाना अशुभ माना जाता है। इस महीने में तन के साथ मन की शुद्धता भी रखें, तभी शिव पूजा का फल मिलेगा। शिव जी के प्रिय माह में ब्रह्मचार्य का पालन करें। सावन का वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा पाचन तंत्र सूर्य पर टिका हुआ है। ऐसे में सावन के महीने में सूरज बहुत कम निकलता है, इससे हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि पानी से जन्मी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमें अपने पाचन तंत्र को आराम देने की जरूरत है। इसी वजह से सावन में बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, मांसाहारी भोजन और शराब वर्जित है, ताकि हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहे। कहते हैं भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। भक्त सिर्फ भगवान शिव का नाम ले लेते हैं तो शिव उनके हो जाते हैं, इसलिए तो उनका नाम भोले भंडारी भी है। तो आज हमने आपको बताया सावन के इस पवित्र महीने की महानता, और साथ ही हमने आज आपको बताया कि आखिर भगवान शिव की भक्ति हम कैसे करें और कैसे मनाएं बाबा भोले भंडारी को। साथ ही आज आपने सावन महीने के धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व को भी जाना है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।